सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ स्पेशली फॉर माई ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड सिलेबस के अंदर रजिस्टर्ड हैं और सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा आप तक एक मैसेज है। अभी आईसीए ने कुछ एक्सक्लूजन्स जारी करी थी, लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स जारी करी थी कि भाई आपके सिलेबस से कुछ टॉपिक्स कम कर दिया गया, बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट में एक्सक्लूजन्स हैं वो सारे एक्सक्लूजन्स करंटली आईसीए ने सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए निकाला है, ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं निकाला है। यस, आईडीटी के जो एक्सक्लूजन्स हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एज वेल एज ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, बट बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स का एक्सक्लूजन है दैट इज करंटली ओनली फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स एंड नॉट फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। ऑल्दो आई बिलीव कि हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर ऐसे यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाले कि ओल्ड सिलेबस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक्सक्लूजन है, बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भाई मैं ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जितने भी हैं प्लीज़ ध्यान से सुने, आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मुझे अपने वीडियो के अंदर कमेंट्स मिले कि सर मैं इतना डिस्करेज हो गया हूँ कि भाई मैं सीए क्विट करना चाहता हूँ, आईसीएआर मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहा है, राइट? एंड यू नो हमारे साथ आईसीएआर इज ट्रीटिंग अस लाइक ए स्टेप मदर। इस तरीके से काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले मुझे और मैसेजेस भी मुझे मिले, जिसको रीड करके मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ऑब्वियसली द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स आर गेटिंग हर्ट कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो मेरा कुछ मैसेज आपके लिए, सबसे पहली चीज याद रखना, जब कुछ हमारे लिए कम अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ज्यादा अच्छा स्टोर में रिजर्व्ड होता है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, टिल डेट अभी तक का जो हिस्ट्री रहा हमारा उसका ये रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सिलेबस कन्वर्जन हुआ है तो आखिरी के जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो ओल्ड सिलेबस के लिए बहुत ही फेवरेबल रहता है, पासिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छी होती है, राइट? और अब जो ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस अपने आखिरी दिनों में चल रहा है, ओल्ड सिलेबस के कुछ आखिरी अटेम्प्ट्स बचे हैं, तो अब ये जो आखिरी के 2 से 3 अटेम्प्ट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यहाँ पासिंग परसेंटेज आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, न्यू सिलेबस से ज़्यादा रहेगा। ये मेरा एस्टिमेशन है बेस्ड ऑन द पास्ट, पास्ट में भी ऐसा हुआ है, राइट? तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब पास परसेंटेज का मामला आएगा तो आपका पास परसेंटेज ज़्यादा निकलने वाला है, काफ़ी अच्छा पास परसेंटेज निकलने वाला है, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अदर थिंग, जो टॉपिक्स एक्सक्लूड नहीं हुए आपके सिलेबस से और आप दुख दुख हो रहे बना रहे हो उस चीज़ का, यू आर बिकमिंग सैड फॉर दैट। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर माई सब्जेक्ट लॉ एंड ऑडिट, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ भाई लॉ एंड ऑडिट, बिकॉज एफ आर एस एफ एम का तो मुझे ऐसा ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ऐसा जो डी टी में कुछ एक्सक्लूजन भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ऑडिट एंड लॉ के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ लॉ के अंदर जो एक्सक्लूजन्स है ना वाइंडिंग अप के अंदर, आईबीसी के अंदर, वो ऐसे एक्सक्लूजन्स है कि प्रैक्टिकली मैं बताऊँ यार, ओल्ड सिलेबस में भली वो टॉपिक्स हैं बट उनसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता ज़्यादा, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। एंड रैदर मैं तो अपने क्लासेस में कराता तक नहीं कि भाई ये टॉपिक्स रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, और कभी भी ऐसे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता या ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम। तो उन टॉपिक्स के लिए दुखी होने की क्या ज़रूरत है, पहली चीज़, ठीक है? सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है कि आई एग्री कि मतलब हाँ जो थोड़ा बहुत हर्ट करेगा लॉ के अंदर, दैट इज द एक्सक्लूजन ऑफ सेबी आईसीडीआर कि आपके लिए वो एक्सक्लूड नहीं हुआ बट लॉ न्यू सिलेबस के अंदर वो एक्सक्लूड हो गया। तो यार एक और चीज़ ध्यान रखना, आईसीडीआर के लिए भी ज़्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दुखी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आईसीडीआर रेगुलेशंस के अंदर भी कुछ सिलेक्टिव 10 रेगुलेशंस हैं, इंस्टीट्यूट ने पिछले लगातार 30 अटेम्प्ट से कम 90% ऑफ द टाइम उन्हीं 10-12 रेगुलेशंस में से पूछा है, ठीक है? और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 10 रेगुलेशंस आपको रटवाना मेरा काम है, वो 12 रेगुलेशंस रटवाना आपको मेरा काम है। रिविजनरी वॉइस क्लिप के थ्रू वीडियोस आपके लिए जरूरत पड़े तो मैं फिर वीडियोस बना दूंगा इन टॉपिक्स के लिए, बट से भी आईसीडीआर से आपको डर नहीं लगेगा नवंबर 19 के लिए, ये मेरा वादा है आपसे। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 से 2 घंटे में से भी आईसीडीआर कर लोगे, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? यानी कि मैक्सिमम 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है, दैट्स इट, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ऑडिट में आ जाएं तो ऑडिट के अंदर एक जो स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट है वो मेजर एक्सक्लूजन में आता है, एंड दूसरा जो ऐसे 800 एसईज एसआरएस वाली सीरीज है वो मेजर एक्सक्लूजन में आती है। सबसे पहली चीज़, ऐसे 800 ऑनवर्ड जो टॉपिक है वो ऐसे भी एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है? और दूसरी चीज़, ऐसे 800 ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक हैं, ये आज मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि भाई आपने अगर क्लासेस ले रखी है मेरी तो मैक्सिमम 2 घंटे में मैंने ये सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, और अगर आपने क्लासेस नहीं भी ले रखी है तो यूट्यूब के अंदर आपके एग्जाम से पहले मैं डेफिनेटली इन सारे टॉपिक्स के वीडियोस डाल दूंगा और मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके और न्यू सिलेबस के बीच फिर से 2 घंटे का गैप रह जाएगा,
ठीक है। सिमिलरली स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड डिपॉजिटरी, करीबन 15-16 क्वेश्चन की लिस्ट है, 90% चांसेस है वहीं से आएगा, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें भी 1.5 घंटा ही देना होगा, उससे ज्यादा नहीं देना होगा। यानी ऑडिट में आपको सिर्फ 3.5 आवर्स एक्स्ट्रा देने होंगे और लॉ में आपको कंपैरेटिवली सिर्फ 2 से 2.5 घंटा एक्स्ट्रा देना होगा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना होगा, ये मेरा वादा है आपसे। बिकॉज वो सारे टॉपिक्स जो आईसीए ने न्यू सिलेबस वालों के लिए एक्सक्लूड किया है, मैं आपको इतने एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में प्रेजेंट करके दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे में उन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो, एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। तो आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिल, जस्ट बी रिलैक्स, जस्ट बी हैप्पी, राइट? तो टेंशन नॉट, यार छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ठीक है ना, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता कि आईसीए ने एक्सक्लूड नहीं करा इन टॉपिक्स को आपके लिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईसीए का नोटिफिकेशन आ भी जाएगी, हाँ भाई हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, लॉ में आपको मैक्सिमम 3-3.5 घंटा एक्स्ट्रा देना है एंड ऑडिट में 3-3.5 आवर्स एक्स्ट्रा देना है, दैट्स इट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। उतना टाइम आप एक्स्ट्रा दे दोगे तो यू आर इन पार विद द न्यू सिलेबस, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? सो ज़्यादा टेंशन ना लें, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें। नेगेटिव जो सोच है, नेगेटिव जो विचारधारा है आपके मन में कि भाई मैं क्विट कर देता हूँ, वो चीज़ें प्लीज़ निकाल दो, प्लीज़ निकाल दो यार। स्पेशली या तो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है ओल्ड सिलेबस का, और इन जो ये जो लास्ट अटेम्प्ट चल रहे होते हैं ना यार, यहाँ पास परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है। तो प्लीज़ इन नेगेटिव सोच, जो ये नेगेटिव सोच है, नेगेटिव विचारधारा है आपकी, आप प्लीज़ इसे बाहर निकाल कर फेंक दें और पॉजिटिवली अपने टारगेट की तरफ भरें। भगवान आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।